लेकिन मैं पहले आप सबसे जानना चाहता हूँ कि जडेजा ने किया क्या बाय द वे। मैं फिर वही बात करूंगा भाई, देखो विराट कोहली को बदनाम कर दिया, सेल्फिश वेल्फिश, मैच सारे जीते, 100 भी उसने मारा, किसी को आउट नहीं करवाया उसने। आज जडेजा की शक्ल पे लिखा हुआ था कि अपनी सेंचुरी के चक्कर में एक डेब्यूटेंट जिसने पूरी जिंदगी वेट करा, जिसके पापा बैठे हुए हैं बेचारे, इतना इमोशनल मोमेंट है और इतना बढ़िया खेल रहा है। मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा और जडेजा से बेटर आज सरफराज खेला है, स्मूथ इनिंग्स, एक चांस नहीं दिया उसने, और मारता ही रहा, मारता ही रहा, मारता रहा, इंग्लैंड को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया कि अब तुम जीत के दिखाओ, उसको रनआउट करा दिया यार जडेजा ने, बिल्कुल रनआउट ही करवाया ना, और क्या बोलूं मैं। वही तो हुआ था ना, मैं आपको बता रहा था कि 99 पे था जडेजा, ठीक है ना, 99 पे होने के बाद हुआ क्या कि वो इतना डेस्परेट हो गया था एक रन के लिए कि जैसे तैसे करके मेरा एक 99 पे भी पहुंचा यार, वो डाइव मार के उसने पहुंचाया, जैसे तैसे करके कोशिश कर रहा था कि मेरा एक रन आ जाए, वो दिक्कत हो गई। लेकिन सरफराज को दिक्कत जेन्युइनली पता मुझे किसकी याद आई, ऋषभ पंत की, क्योंकि स्पिनर्स को ऐसे हवा में खेलता था ना, शॉट मारता था, वो ऋषभ पंत ही मारता है, और ऋषभ पंत जब आएगा वो ऐसे ही खेलेगा, और उसी प्लेयर जैसे इंटेंट की हमारी टीम में मिसिंग थी कि भैया हम मिस कर रहे थे कि ऐसा कोई प्लेयर आए जो कि अटैक करके खेले, अग्रेसिव क्रिकेट खेले। तो फाइनली यहाँ पे एक पारी में देख के लगा कि फाइनली कोई आया है जिसने अग्रेसिव क्रिकेट खेल के दिखाया है ऋषभ पंत जैसे, और सरफराज ऐसी कई पारियों और खेल सकता है, बस बैकिंग की जरूरत है। क्योंकि आपका वो बोलने के जो कहने वाले अच्छे प्लेयर थे कि जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं आपके, श्रेयस अय्यर, भाई इसने बाय द वे क्या करा ना, बैकफुट में बहुत अच्छा खेला है। जब आप एंडरसन जैसे आपको बताया कि जब विकेट कीपर आगे बुला लिया था बेन फोक्स को, तो पीछे शॉट लगाने लग गया कि आ जाओ भाई, लेकिन ये जो रिएक्शन है और स्पेशली जो एक रोहित शर्मा की रिएक्शन है, उससे तो यही पता चलता है रोहित शर्मा कितने ज्यादा नाराज थे रविंद्र जडेजा से। रविंद्र जडेजा बाय द वे खुद से भी नाराज था, जब वो आउट हो गया, जब वो आउट हो गया, रन आउट हो गया, रविंद्र जडेजा की शक्ल, बेन स्टोक्स की भी तारीफ है, उसको पता था इससे सिंगल लिया नहीं जा रहा, उसने और आगे लगा दिए फील्डर बिल्कुल ही हाथ में, वो हाथ में ही मार के इतना हड़बड़ा गया भाई, 99 पे खेल रहा है, तेरे को बॉल फुटबॉल जैसी दिख रही है, तू हाथ में ही मार के भाग गया यार। रोहित का होना बनता है तो रोहित इतना गुस्सा इसीलिए हो रहे थे कि यार ये क्या तरीका है कि अपने 100 के लिए आपने एक ऐसे बैटर को आउट करवा दिया जो कि इतना बढ़िया खेला, मेरे से तुमसे अच्छा खेल गया और जो मैच जिता दिया जिसने, बाय द वे आप ये मैच जीतने के कगार पे आ चुके अब, यही जो 60 रन है इसके, पूरा मैच अपनी, ये अगर पाटीदार की तरह आउट हो जाता फिर आपका मैच गया था। अब पता है क्या रोहित शर्मा का वो गुस्सा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इंडिया का अगर आप गालियां निकाली है उन्होंने, तो निकाली है भाई, वो अब अगर मैंने खुद निकाली, मैं झूठ के बोलूं यार, मैंने भी निकाली सब कैमरा नहीं था, क्योंकि बनता है यार इतना अच्छा लड़का खेल रहा है। अब यहाँ पर ये देखो रोहित शर्मा का इतना एंग्री होना साफ साफ बनता है। आप इस पूरी सीरीज का ब्रेकडाउन कर लो, इंडिया को एक इनिंग के अंदर आपकी टॉप ऑर्डर अच्छा मिल गया, जहां पर जायसवाल ने अच्छा कर दिया, एक इनिंग के अंदर इंडिया को उनका लोअर ऑर्डर अच्छा मिल गया, जहां जडेजा और अक्षर अच्छा कर गए थे हैदराबाद वाले मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में आपको आपकी बॉलिंग अच्छी मिल जाती है, बुमराह 6 विकेट ले गए। इंडिया को अभी तक इस पूरी टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक ही चीज थी जो कभी नहीं मिली थी, एक अच्छा मिडल ऑर्डर। अब इंडिया को अच्छा मिडल ऑर्डर आकर मिला, क्योंकि पहले क्या खेल रहा था आपका खेल रहा था श्रेयस अय्यर, केएस भरत, जिनसे कुछ हो नहीं रहा था। आज तो आपको मिडल ऑर्डर का अच्छा प्लेयर मिला, जब वो अच्छा कर रहा था तब उसको रन आउट करवा दिया गया, करवा नहीं दिया गया, चलो करवाइए यार, देखो आपको वो एक तो ये क्या हुआ है, जैसे मैंने पहले बोला, जो हमने टाइटल में भी लिखा थम भी मैंने यही दिया था कि दिल जीत लिया सरफराज, एक तो अपनी बैटिंग से दिल जीता, इमोशनल एंगल पापा का भी है, पूरी जिंदगी लगा दी मेहनत, और डैड को इसने फ्लाइंग किस भी करी बच्चे ने, आप देखो कि अपने पापा को ट्रिब्यूट दिया ना, वो हमें भी रोना आ रहा था देख के यार, इमोशनल मोमेंट होता है, आसान नहीं है टीम इंडिया में जगह बनाना, बार बार इसका नाम की हवा उड़ती थी और बार बार रिजेक्ट होता था, बार बार रिजेक्ट होता था, फाइनली आया। अभी भी मैं आपको याद दिलाऊंगा, स्क्वाड में नाम नहीं था, प्लेयर्स इंजर हुए, बाहर हुए, ये केएल राहुल किसी काम का नहीं, ये श्रेयस अय्यर किसी काम का नहीं, इनको बाहर निकाला गया तब आया ये, बैकअप में विराट कोहली नहीं खेला तब आया ये, बैकअप का भी बैकअप का रिप्लेसमेंट, और उसने इतना अच्छा खेला, अच्छा तब उसने दिल जीता कि भाई उसने जिगरा दिखाया, उसने ये नहीं करा कि यार मैं कोई घबरा के अपने रन बना लूं, मैं अपनी जगह पक्की, नहीं उसने अग्रेसिवली खेला कि मेरी टीम को रन चाहिए। उसके बाद जब इसने देखा कि रविंद्र जडेजा अटक गया है, उससे रन नहीं लग रहा, वो 98-99 पे आ गया, उसने अपने सीनियर पार्टनर के लिए अपनी विकेट लिटरली सैक्रिफाइस कर दी, और बाद में बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा था कि मैंने क्या कर दिया, और वो कॉल रविंद्र जडेजा की थी, वो तो भाई रेडी था, वो पहले भी जब 98 पे भी था, 99 के लिए भी डाइव मार, अच्छा वो भी डायरेक्ट हिट लगता तो ये आउट था, वो भी डायरेक्ट हिट लगता तो ये आउट था जब इसने डाइव मारी है, वो भी बड़ा रिस्की सिंगल था, लेकिन उससे सिंगल ही निकल रहा भाई से, वो इतना डर गया रविंद्र जडेजा, उससे सिंगल नहीं, ये मारे जा रहा चौके, ये मार रहा छक्के, उससे सिंगल नहीं निकल रहा, पता नहीं लग रहा जडेजा को ही हुआ क्या, क्योंकि ऐसा जडेजा हमने पहले नहीं देखा यार, हैदराबाद वाली इनिंग 25 गेंदों में 6 रन बनाने के बाद जडेजा आउट हो जाते हैं, वो मैच भी रविंद्र जडेजा के नाम ही डालूंगा मैं,
बिकॉज 175 की लीड को 190 पे ही खत्म कर दिया इनकी अपनी सेल्फिश। उस दिन भी हम बोल रहे थे लक्षित आप सुबह देख रहे थे कि इसको क्या हुआ है, इतना टुक टुक इतना टुक टुक, और वो मैच आप याद करो आप हार गए थे, आपकी लीड कम रह गई थी। और राहुल द्रविड़ ने भी ये बोला था कि हमने अपनी पहली पारी में इतने रन मिस कर दिए, बनाए नहीं, इसकी शक्ल पे देखो गिल्ट है आज। मैं मानता हूं कि चलो बाद में इनको रियलाइज हुआ होगा कि मैंने गलती करी, और इसीलिए इसने सेलिब्रेट भी नहीं करा, दिख रहा था कि ही वाज सॉरी आल्सो, दिख रहा था भाई सारे इंडियन प्लेयर ही है ना, और इसको भी दिख रहा था कि भाई उसने इसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन यही हमेशा अब इसमें मेरे को पता क्या याद आ रहा है, आपको इस टाइम पर किसी को याद नहीं आ रहा होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वहां पे भी बनता था इसका ही रनआउट, फालतू में रनआउट करा दिया हार्दिक पांड्या को, फालतू में रनआउट करा दिया हार्दिक पांड्या को। अब वो अब वहां के अंदर भी हार्दिक पांड्या खेले जा रहा है, हार्दिक पांड्या ने ट्वीट करके डिलीट कर दिया कि हमने तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, बिल्कुल ट्वीट करा था उसने, वो मार मार के उसने हालत खराब कर दी थी पाकिस्तान की यार। चलो मैं कह रहा हूं मैच आप हार जाते बट वो रनआउट नहीं होना चाहिए था। और आज भी रोहित शर्मा जो टोपी उठा के उसने गालियां दी है ना यहाँ पे, उसने इसीलिए दिया रोहित शर्मा ने के लिए यार आउट कर लेता कोई उसको कोई दिक्कत नहीं थी, आउट सबने होना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रनआउट जिस आदमी ने डेब्यू पे सबसे तेज आज तक इंडिया के इतिहास में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, इस लड़के ने सबका रिकॉर्ड तोड़ के डेब्यू में फास्टेस्ट 50 मार दी, उसको तूने रनआउट करा दिया यार, इतना अच्छा खेल रहा था भाई, गलत बात है ना। यही है ना, आप जडेजा को भी रियलाइज होगा कि यार ये चीज मेरे साथ अब आगे ज्यादा बढ़ रही है, नर्वस 90s में चले जाना, एक आपका सिंगल ही आना रुक गया भाई, आपने तकरीबन 14 बॉल ले ली 96 से 100 में जाने पे, ये ज्यादा गेंदे नहीं है, लेकिन रविंद्र जडेजा को रविंद्र जडेजा को चेतेश्वर पुजारा नहीं है, वही जडेजा इससे पहले 2 छक्के लगा चुका है, 8-7-8 चौके लगा चुका है, फिर रविंद्र जडेजा का 90s में जाके शटर क्यों स्लो हो रहा है, जबकि रविंद्र जडेजा नंबर 3 वाले बेटा वही दिखाओ रोहित शर्मा को काफी स्लो खेल रहा है, शटर इसलिए हो रहा है भाई डाउन क्योंकि जडेजा कोई नॉर्मल टॉप ऑर्डर प्लेयर नहीं है जो रेगुलर 100 बनाता है, जो आपका यू नो हर दूसरे ये मोमेंट डिफाइन करता है। अच्छा यहाँ पे कोबरा हमसे लड़ रहे थे कि यार क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोबरा ने बोला कि भाई उसने 100 मारा है ना रविंद्र जडेजा का भी 33-3 के बाद वो 100 मार गया तो उसने मेन उसकी कंट्रीब्यूशन, रोहित की कंट्रीब्यूशन, फिर सरफराज की, मैं तो इक्वली मान रहा हूं लेकिन चलो फिर भी रोहित की कंट्रीब्यूशन और जडेजा की कंट्रीब्यूशन इक्वल, उससे एक पायदान नीचे सरफराज की कंट्रीब्यूशन, तो उसने बोला चलो यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रन आउट हो जाता है आदमी, हो गया कोई बात नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा कम थोड़ी हो जाता है, आप उसको गालियां दो सेल्फिश मत बोले वो, लेकिन वहां पे माँ बहन कर दी लिटरली रोहित शर्मा ने। मैं आपको ये समझाता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, देखो उसको रोहित को भी पता है कि जडेजा की कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको ये पता है, लेकिन गुस्सा इसलिए चढ़ा रोहित शर्मा को कि भाई तू इतना बढ़िया खेल रहा है, 100 तेरा ये करीब रहा, तू कांप रहा है 100 के पास आके, और इतना कांप रहा है कि तूने अपने पार्टनर को, वो बच्चा जो डेब्यू पे उसको रनआउट करा दिया, तब वो गुस्सा कर। और बाय द वे सरफराज उसकी पारी को एक्लिप्स कर जाता भाई, अगर आप स्कोरबोर्ड देखोगे 200 बॉले खेल के 110 रन पे रहे वो रविंद्र जडेजा, वो बंदा 60/60 टाइप है, 66/62 बताओ, रन ऑफ बॉल खेल रहा था सरफराज खान, अगर सरफराज खान खेल जाता 100 बॉले 100 मार देता, तो जो आप 100 मारा है आपने, रोहित शर्मा भी देख लो 200 बॉले खेल गए ऑलमोस्ट 196, ये देख लो 212 बॉले, सबसे स्मूथ सबसे इफेक्टिव इनिंग खेली सरफराज ने, और इसीलिए वहां पे गालियां निकाली है रोहित शर्मा ने, जो कि बनता था गुस्सा करना, बनता था गुस्सा करना। और रोहित शर्मा को देख लो आप, अच्छा बाय द वे सरफराज के पेरेंट्स की भी तस्वीर, मतलब सरफराज के अब्बू की भी तस्वीर है वहां पे, कि जब वो रन आउट हुआ है उनका बेचारों का क्या हाल हुआ है, सिर पे हाथ रख लिया उन्होंने। सो आई थिंक किस्मत खराब तो रही, मैं तो सरफराज को ही बोलता हूं कि क्या जरूरत थी अंधाधुंध भागने की, इतना भी ज्यादा निस्वार्थ त्याग, इतना भी ज्यादा चुस्ती में फुर्ती में नहीं आना, आपको आपको जिंदगी के बाद इतनी तपस्या के बाद आपको जाके मौका मिला, उसको गंवाना नहीं है हड़बड़ाहट में। लेकिन ये 62 रनों से वो मौका जो है मौका जाएगा नहीं, देखो मौका नहीं जाएगा नितिन, लेकिन 100-100 होता है और 50-50 होता है बॉस, 100-100 ही होता है। डेब्यू पर 100 लगाना बहुत बड़ी बात, आप डेब्यू पे एक और ऐसे प्लेयर बन जाते जो कि 100 मार देता और आपके पापा क्राउड में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, सारे के सारे फैंस आपके लिए चिल्ला रहे हैं कि आपको आना चाहिए, वो देखिए आप उनके डैड को देखिए आप, और सरफराज ने भी वहां पे जाके देखिए फ्लाइंग किस उन्होंने भी करा, तो इनका तो मैंने बॉन्ड अपने साथ में अपनी आंखों के सामने देखा है ना यार, ये तो मेरी तो बात होती रहती है नौशाद साहब से, फोन काफी बार आ जाता है, पिछले हफ्ते आपके आपको पता है कि लाइव से पहले आता है, शो भी देखते हैं सर, सो थैंक यू सो मच, मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई वो ही नहीं है, इनाम ही नहीं है कि नौशाद साहब जैसे हमारे जो है व्यूअर्स हैं कि वो मेरे को बताते भी हैं
कभी कभी मेरे को हंसते भी हैं कि यार तुम गुस्सा ज्यादा कर जाते हो, ज्यादा भावुक हो जाते हो, सब समझाते भी है मुझे. आई लव हिम अ लॉट एंड आई लव सरफराज ऑल्सो लॉट. अभी तो मुशीर ने भी आना है, सारा है, बढ़िया है. लेकिन यार एक लड़का जो 61 पे खेल रहा है, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 100, क्या ये क्या ऑब्सेशन है 100 का? जब आप 100 बनाना है, 100 बनाना है, 100 मतलब 100 आपका कंट्री से बड़ा हो गया. बट ये है ना कि आप 100 आपका कंट्री से बड़ा हो गया कि आप अपने पार्टनर को रन आउट करवा रहे हो. कंट्री से बड़ा तो नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन ये है ना कि ये जाडेजा की जाडेजा की दो बार हो गया ना यार. हाँ भाई कह रहा हूँ ना, अभी जाडेजा की एक नई बीमारी निकल कर सामने आ रही है कि आप वो फंस जाते हैं. आपका शटर पहले नहीं होता था, नहीं होता था भाई, मैं कह रहा हूँ अभी हो रहा है. आपका एक बारी शटर ट्रैप हो जाए तो आपका शटर वो ट्रैप सही होके रह जाता है. लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में ना कभी भी आसान नहीं होता. आप लाइमलाइट में आए हो, लाइमलाइट में आने के बाद गिरे, गिरने के बाद इतना टाइम लगा आप उठ के आए हो. आई एम टॉकिंग हियर अबाउट सरफराज खान. आपको 2016 या 17 का, 16 का आईपीएल था वो, 2016 का आईपीएल आपको याद होगा, सरफराज खान का नाम बहुत आगे आया. सरफराज खान को विराट कोहली ने एक बार ऐसे झुक के वो भी किया था कि क्या नॉक खेल लिया, बहुत बढ़िया, आड़े टेढ़े, मतलब जिसे हम कहते हैं कि अनऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ शॉट्स लगाते थे सरफराज उस समय पर आईपीएल में. मुझे याद है एक बार डिविलियर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे और बहुत अच्छी टीम पंजाब किंग्स के साथ, किंग्स इलेवन पंजाब थी तब, उनके साथ मुकाबला था और सरफराज खान ने एक शॉट लगाया जो सीधा लेग साइड से, इंदौर इंदौर के स्टेडियम में मैच था और वो सीधा रूफ के ऊपर जाकर बॉल गई थी. उस आईपीएल के बाद नाम आया सरफराज खान, कितना बढ़िया प्लेयर होगा आने वाले टाइम में देखिए. वहां से सरफराज खान ने अपना अटैकिंग गेम ऑफ मोड था इनका, तब सिर्फ अटैक करते थे, आते थे, चौके छक्के लगाते थे. वहां से इन्होंने अपने आप को एक टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर बनाया. 2016 की बात मैं कर रहा हूं, आज 2024 है. 2016 में लाइमलाइट में आया सरफराज खान, फिर वहां से डाउनफॉल आया. 8 साल का, चार पांच साल का मैं कहूंगा डाउनफॉल आया. 21 से लेकर 20 से लेकर, एक तरह से 20 से लेकर 23 तक रणजी में इस खिलाड़ी ने तोड़ा है. और ये इसीलिए जब भी सुशांत कह रहे थे कि ये देखिए ये फोटो देखिए पाटीदार की, ये फोटो देखिए और जो अभी भेजी भी थी वो वाली फोटो देखिएगा, ये वाली, और ये बता भी दीजिएगा. तो देखिए ये जो यहाँ पर आया ना, क्या कहते हैं कि ये जो इनका रनआउट के बाद जो एक्सप्रेशन आया है डैड का, ये भाई सालों के बाद की मेहनत है. फॉर्म जाने में ना एक सेकंड लगता है. शुभमन गिल को देख रहे हो कैसे स्ट्रगल कर रहा है. आज शुभमन गिल के पिता ने जाके अगर सरफराज खान के पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कराया तो उनको पता है कि इसकी अहमियत क्या है. तो ये मौके बार बार नहीं आते, आप इतना स्मूथली बार बार नहीं खेल रहे होते कि आप इतने अच्छे फ्री फ्लोइंग में. मैं वाकई जो भी मैच देख रहा था, अगर आपने पूरा मैच देखा है आपको पता है कि वो 100 मार देता 100%. और 100% मैं ये भी बोलता हूँ, बाकी भी तस्वीरें लूप में घुमाते रहिए ना, हत्या जो भी थी रोहित शर्मा वाली, ये सारी जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि रनआउट की, तो बात ये है भाई इसको लूप में चलाते रहिए, हर 5-5 सेकंड में चेंज करते रहिएगा. तो के आपके पास जब मौका है और जब आप इतना स्मूथ क्रिकेट खेल रहे हो, किसी ने भी अगर ये पारी देखी आज सरफराज की, वी वर अमेज्ड कि यार पॉजिटिव तो चलो सोचा था, अच्छा स्पिन खेलता सोचा था, लेकिन फ्रेंकली इंग्लैंड के अगेंस्ट इतनी बुरी तरह मारना, इसने दिखाया है आज कि इनके बॉलर्स की लिटरली बोलूं तो औकात क्या है भाई. ये बच्चे हैं, उनको बैट्समैन खेल, ये हार्टली, ये रेहान अहमद, ये इसको आउट करेंगे, ये रोहित शर्मा और ये वो, अगर हम घबरा के खेलेंगे तो आउट ही होंगे ना. सही बात है. ये आके पॉजिटिव इंटेंट के साथ इसने मारना शुरू करा. नहीं बेटा, रनआउट की ही तस्वीरें सिर्फ मैं बोल रहा हूं, बाकी आप छोड़ दो जो रनआउट वाली सारी तस्वीरें. तो इसने दिखाया आज, लेकिन रविंदर जडेजा ने, ये एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार ये नहीं होना चाहिए कि आप 100 के पास पहुंच के बिल्कुल ही हथियार डाल दें. एंड यस 100% मैं ये भी बोलता हूं कि सरफराज की भी गलती थी, अंधाधुन भाग गया. उसकी कैसे गलती थी? बिल्कुल गलती थी यार, आपको थोड़ा तो होश होना चाहिए ना, आपको थोड़ा तो होश होना, बिल्कुल साथ सामने हाथ में गई है उसकी, तू आधी पिच पर पहुंच गया भाई, इतना भी नहीं होता ना, आधी आधी पिच पे आप क्यों भाग गए हो? उसने बारी सीधा, आपको नहीं पता सारा का सारा सर्कल में खड़े हुए लोग, उससे एक बॉल पहले बचे. आप सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें होगी कि उसका 100 हो जाए, उसका 100 हो जाए, ऐसा नहीं होता. और सबसे बड़ी बात, सरफराज उसकी कॉल को मना भी नहीं कर सकता. अरे भाई, लेकिन इतना नहीं, अंधाधुन नहीं भागना चाहिए था. अगर सुशांत में नहीं, अगर सीनियरिटी के लेवल सीनियरिटी, आप तो खुशी थे कि सौरभ हो गया, आउट हो गया, आप तो खुशियां मना रहे थे कि आप तो ये बोल रहे थे कि सरफराज को आउट हो गया तो क्या हो गया. मैं ये बोल रहा था भाई कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गुस्सा कर रहे थे जडेजा ने, कुछ गुस्सा आ ही रहा था. अच्छा, हम गुस्सा कर रहे थे, रोहित शर्मा नहीं गुस्सा कर रहे थे? रोहित शर्मा हमने तो फिर भी गालियां नहीं निकाली, रोहित ने तो गालियां निकाल दी. इस वजह से भी गुस्सा हो रहे थे कि भाई कोई तरीका नहीं है आउट होने.
होने और सिचुएशन पे कि भाई इस तरीके से गिफ्ट कर रहे हो, इस तरीके से विकेट दे रहे हो, वो एक अलग बात है। जैसा रिएक्शन था उस मोमेंट पर सबका, जितने आपको डिसअपॉइंटेड जडेजा नजर आ रहे थे, जो सब कुछ था वहां पर, ये बात कंफर्म है कि कॉल वो रविंद्र जडेजा की थी, वो तो है ही कॉल रविंद्र। तो सरफराज तो भागेगा ही, सरफराज आधी पिच पर इसलिए पहुंचा क्योंकि सामने से कॉल आ गई। अब ये तो है नहीं कि सरफराज रुक जाएगा, बिकॉज उसका पहला मैच है, सामने एक सीनियर बैटर खेल रहा है। लेकिन सरफराज को ये भी देखना चाहिए था, पिछली बॉल पर आप बार बार बचे हो, अगर पिछली बार बॉल पर डायरेक्ट हो जाता तो आप वहां पर भी आउट हो जाते। बहुत सोच समझ कर होना चाहिए था। और जडेजा की ये चीज रिपीटेडली अब हो रही है, जो सुशांत ने भी बताया कि 17 के फाइनल में हार्दिक पांड्या सुपर चैट दिखा दीजिएगा। और अगर आपको याद हो हैदराबाद वाले मैच में भी अक्षर पटेल एक बार बचा था, बचा वहां पर, पता नहीं शायद वो कॉल अक्षर की थी, लेकिन वहां भी एक ऐसा मोमेंट हो गया था, एक बॉल पहले अभी वहां पर सरफराज डाइव लगाकर बचा, उस वहां पर फिर जाके वो रन आउट हो गया। तो ये पॉइंट है कि जडेजा को रनिंग बिटवीन द विकेट्स और नर्वस 90 से निकलना होगा, क्योंकि भाई आप आने वाले टाइम के सबसे सीनियर प्लेयर बन चुके हो इंडिया के। आपके पास अब आपको जगह जगह पर वाइस कैप्टन भी बनाया जाता है, कैप्टन बनने के लिए आप आईपीएल में लड़ते हो, लेकिन आप नर्वस 90 में आके फंसते हो।